तो अभी हम लोग जो है ना ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं। और जैसे ही मैं यहाँ से ऑटो में निकली तो मुझे कोई मिल गया। जी हाँ, मुझे ये देखिए कौन मिला है, मैं वो आपको वीडियो कैमरे में बताऊंगी। और उन्होंने कैमरे के सामने आकर हाय की, और इनकी गुड़िया बहुत प्यारी लगी मुझे, बड़ी क्यूट सी गुड़िया है। और जब कोई अपना हमको मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है। इनको मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सच में। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आई हूँ, जी हाँ मैं आ चुकी हूँ ससुराल। और अभी है ना, मैं आपको बता देती हूँ मैं ससुराल क्यों आई हूँ, क्या रीज़न है, वो अभी आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपसे बात नहीं कर सकती, बिल्कुल जस्ट अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। बेटा अच्छे से थोड़ी देर पहले आई हूँ और आके बस है ना खाना वाना बनाया, पहले खाना खाया। हालत देखी घर की, इधर सारे में सामान फैल रहे हैं, इधर देखिए बेड की क्या हालत हो रखी है, मतलब पूरे घर की है ना हालत बिल्कुल ख़राब हुई है। पीछे मेज पे भी आप लोग देख सकते हो, पूरे घर की है ना साफ़ सफाई, इन सामान सिंगवाने हैं। और अभी मेरे को कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी वहीं रहो, यहाँ मत आओ। तो यहाँ आने का एक रीज़न है, वो आप लोगों को मैं ना वीडियो में बताऊँगी। कह रहा हूँ भाई कहाँ है? पहले भी टसन दुख कसा है, उसको से कपड़े। तो आप लोगों को बताऊंगी क्या रीज़न है। बिल्कुल मतलब मेरा 2 दिन से मेरी भी तबीयत है ना डाउन चली, भी डाउन चला, उठा नहीं जा रहा, काम ही नहीं हो रहा। वहाँ तो ये है मम्मी कर लेती है, उठना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, पर यहाँ आना पड़ा आज मुझे, मजबूरी ऐसी आ गई। और अभी है ना मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ, तो चले फटाफट से ना सारा सामान काम जो है इधर उधर कर लगा ये समेट लेते हैं। और अभी जो है ना यहाँ पर मैंने ना आके रूम का काम जो है ना संगवाना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं ससुराल आई हूँ और ये आप लोगों को रीज़न क्या है वो बाद में बताऊँगी। फिलहाल मैं फटाफट से ना सिंगवाने का काम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने बेड खोला है और बेड में मेरी ब्लाउज, साड़ी और क्या नाम है उसका, कुर्ती वगैरह, ये सब ये सही तरीके से मेरे को रखनी है। वैसे तो काफ़ी टाइम पहले रखी थी, सही रखी थी, पर एक दो कुर्तियाँ ना ऊपर निकल रही थी, सामान वगैरह उलट पुलट से लग रहे हैं मेरे को, और धूल मिट्टी भी इनमें भर रही होगी। तो मैं सोची वैसे बंद है पर फिर भी मन नहीं मानना, और कुछ कपड़े भी निकालने थे, साड़ी वगैरह निकालनी थी, तो मैंने सोचा एक बार चलो चेक भी कर लेते हैं और साथ के साथ इनको दोबारा से लगा भी देते हैं, सफ़ाई भी हो जाएगी। मतलब मैं अपने पूरे रूम की सॉरी साफ़ सफाई करने के उससे आई हूँ कि पूरे रूम के ना साफ़ सफाई करती हूँ। और दूसरा रीज़न भी है वो आने का, वो भी मैं आप लोगों को है ना थोड़ी देर में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए तो ना मैंने सारे कपड़े निकालने स्टार्ट कर दिए, और जो मेरे को दूसरे बैग में या लेके जाने हैं वो एक साइड निकाल दिए हैं मैंने। तो फ़िलहाल से फटाफट से मैंने अपने कपड़े निकाल लेती हूँ और बाकी के लगा देती हूँ। इस बैग में ना सर्दियों के कपड़े हैं, कुछ हमारी जर्किन वगैरह, वो भी मैं निकालती हूँ। और अभी जो है सारा ये वाला बेड सिंगाऊंगी, फिर दूसरा। पूरे रूम की हालत आप लोगों ने देखी है क्या हो रखी है, पूरे घर को अभी साफ़ सुथरा करना है। और जब हम कहीं चल जाते हैं कमरा बंद रहता है तो धूल मिट्टी अक्सर भर जाती है, वही काम हो रहा था। तो चलिए फटाफट से ना सिंगारते हैं, जर्किन वगैरह भी मैं इसमें लगा रही हूँ, मुझे बैग खाली करना है। तो अभी फटाफट सामान लगाते हैं, ड्रेसिंग व्रेसिंग संदूक वगैरह का झड़ा पुछी का काम भी निपटाती हूँ, फिर पहले सिंगवाने का निमट जाए तो समझो आधा काम आसान हो जाएगा। खाना पीना हम लोगों ने आते ही कर लिया था, क्योंकि सुबह हम नाश्ता करके चले थे। फिर आप सब समझ ही सकते हो, भले ही हम नाश्ता करके चले भूख तो फिर भी लगती है। तो सारा बेड लगा दिया, बेड शीट बिछा दी, अभी उसके बाद है ना मैं यहाँ पर ड्रेसिंग को साफ कर रही हूँ।
सिंह भाई है, और मैं एक जोड़ी अपनी चप्पल लाई थी वो मैंने यहाँ रखी है फिलहाल। और मैंने फटाफट से ना जितना भी सामान है वो सब संगवा दिया। मिक्सी का जो है ना एक खाना यहाँ अलमारी में रखा हुआ था वो भी इसमें डब्बे में पैक करके रख दिया, क्योंकि ज़्यादा धूल चढ़ेगी बेकार होएगा, क्या फ़ायदा। तो सारी चीज़ें ना मैंने रखनी स्टार्ट कर दी हैं, और इधर उधर जो भी पड़ी हुई थी आप लोगों से बताया, झाड़ा पूछी शुरू हो रही है, साथ के साथ सामान सिंगवा रही हूँ। मिक्सी फ्रिज का जो नीचे वाला खाना है वो भी रख दिया। झाड़ू अब नहीं लगा रही थी मम्मी, झाड़ू मैं लगाऊंगी, मैंने कहा लगा ले बेटा, मैं पोछा लगा रही हूँ। हमारा भाई जो है ना सो गया है, हम सोचे इतने कायरे सो के उठता है ना, इतने हम फटाफट से ना अपने झाड़ू पोछे का काम जो है वो फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि जब है ना झाड़ना पोछना सिंगवाना काम, ये सारे काम निमट जाते हैं ना, तो बस पोछा और झाड़ू ये काम पूरे होते लगता है, पूरा रूम का है ना काम कंप्लीट हो गया। तो मैंने ना कपड़े भी चेंज नहीं करते, मैंने सोचा था कि पहले मेरे को मतलब आके ना मेरे को बेचैनी होगी, पहले रूम साफ़ करना है, खाना बच्चे खाना खाना करने लगे, खाना बनाना है और बाकी का काम नहाने धोना बाद में देखेंगे, दोबारा नहाना तो पड़ेगा ही धूल मिट्टी में हो गए। पर कपड़े बदलने का भी मन नहीं किया, क्योंकि रूम की हालत देख के अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी हद तक रूम अच्छा लग रहा है, जहाँ जहाँ लोग पोछा लगा इधर पोछा लगना है, फ्रिज भी साफ़ करा, फ्रिज के ऊपर भी साफ़ करा। मैं मतलब जितनी भी हो सकी थोड़ी बहुत ही वीडियो मैं शूट कर पाई, क्योंकि मेरे को बेटे को भी देखना पड़ रहा था। और अभी फ़िलहाल है ना बस थोड़ा सा पोछा इधर का रह गया, इसको भी मैं पूरा कर देती हूँ। और अब नहीं झाड़ू लगा रही, कह रही मम्मी मैं थक गई, अब आप लगा लो झाड़ू। अरे बच्ची है यार, हम लोग बड़े थक जाते हैं, वो छोटी है वो थक गई, उसने झाड़ू छोड़ दी। मैंने कहा चल बेटा मैं कर दूँगी, उसे बीच में छोड़ते नहीं, आप है ना इसको ज़रा सा बाहर निकाल दो, बस बाकी मैं निकाल दूँ। एक झाड़ू मार दी थी बस उसने ऐसी, और वो बाहर की तरफ हो गया, फिर मैंने लगा दी। और जो कूड़ा है ना वो बाहर निकाल के छोड़ दिया, अभी यहाँ पे हमने डाल दिया ये हरे वाला पायदान। और ये पोछा मेरा रह रहा था अभी थोड़ा सा, उसको भी मैं ना पूरा कर लेती हूँ। बेडशीट, एक बेडशीट बिछा रखी है, दूसरे वाली बेडशीट जो है ना मोटी सर्दियों की है, उसको भी तय बना के अभी बेड में रखना है। एक दो चादर वगैरह हो रहा एक्स्ट्रा, कवर वगैरह वो सब बेड में रख दूँगी। यहाँ अब नहीं लग गई थी, लाओ मम्मी मैं तय बना देती हूँ, मैंने कहा बस ठीक है। और अभी आ गई हूँ मैं नहाकर और सर धोकर आई हूँ। जी हाँ, मेरा सारा काम जो है निमट चुका था, अंदर का बाहर का रह रहा है स्लिप का वो मैं बाद में करूँगी, फिलहाल मुझे गर्मी लग रही थी, धूल मिट्टी गर्दे से मैं हो रही थी, हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी आगे काम करने की, तो उसको बाद में करूँगी। तो चलिए सर पोंछ लेते हैं और बाल वगैरह बहा लेते हैं। अभी जो है यहाँ पर मैं दे रही थी कायरों को दवाई। जी हाँ, मैं यहाँ पर इसी वजह से आई हूँ, मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार है, वहाँ दो दिन से बराबर दवाई दिला रही थी, बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा। आप लोगों को वीडियो में बता भी रही थी कायरों को बुखार है, बिल्कुल भी आराम नहीं लगा, जिसे कह देते हैं मम्मी पापा परेशान हो गए, बोले कि चलो भाई पास के कस्बे में लेकर चलते हैं। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, इसको दवाई नहीं लगेगी, इसको मुझे वहीं लेके जाना पड़ेगा, और इसको डॉक्टर की दवाई एकदम लग जाती है, पहली खुराक से ही आराम लग जाता है। तो वे बोलेगी ठीक है बेटा तुम वहीं ले जाओ, एक दो दिन वहीं रह लेना जब तक इसकी तबीयत ठीक हो। तो मैं इसको इसलिए ससुराल लेकर आ रही, अचानक ही एकदम बहुत तेज़ बुखार था, जैसे दवाई दे देते थे ना तो मंदा तो पड़ता था पर मतलब उतर नहीं रहा था बिल्कुल भी। और यहीं के डॉक्टर की दवाई काम करती है, कस्बे में ही डॉक्टर है एक बहुत अच्छा, उस्मान नाम के डॉक्टर है भोपे में, और उनकी दवाई से इसको आराम लगता है। तो मैं इसको वहीं लेकर आई थी और उनसे मिली, उनसे दवाई ली, मैं कहा कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और सही में उनकी दो एक दिन की दवाई से बिल्कुल ही ठीक हो गया, इसका बुखार उतर गया, बड़ी टेंशन हो रखी थी। और अभी आई हूँ मैं बाहर की तरफ अपने किचन में, किचन को साफ़ कर रही हूँ, इधर उधर सामान फैल रहा है, सब सिंगवा रही हूँ, सब बर्तन वगैरह सब साफ़ करने हैं, पूरा स्लिप साफ़ करना है, अंदर रूम का हो ही गया था अभी कायरों। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ना, कायरों की तबीयत इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, जैसे दवाई दे रहे थे ना कम हो रहा था बुखार, कम हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, मतलब उतरने का नाम बुखार ने बिल्कुल भी नहीं लिया। और जब इसकी इतनी हालत ख़राब होगी तो पापा बोल लेगी चल नहीं पाए भाई आस पास में दिखा लग, चल बेटा। मैंने कहा नहीं तुम खुद भी मारो, तुम्हारे बस की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना,
मैं खुद से ले जाऊंगी, इसे नहीं लगेगी दवाई। तुम 2000-2000 की दवाई दी बात होगी, पर ये बात वही है ना, ठीक नहीं होने वाली। बोली नहीं कि एक बार की खुराक से बुखार उतर गया। अब सही में आप लोग यकीन करो नहीं करोगे, एक दिन में पूरी खुराक भी नहीं देना भाई, एक दिन में डेढ़ ही खुराक मान लो, एक रद्दी, एक गोली और एक जो है पीने का ढक्कन की दवाई, बस यही देना भाई। और एकदम इसको आराम लग गया, इसका बुखार उतर गया। बोलते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर की दवाई लगने की बात होती है, और इसको है ना काफ़ी हद तक है ना आराम हो गया, और अभी है ना ठीक है, मतलब फिलहाल इसे बुखार नहीं है, खेल रहा होगा। जब इसका बुखार उतर गया मैं वापस आ गई। वैसे भी आपको कमेंट करते कि कुछ टाइम वहीं रहो, और यहाँ आप अकेले रहते हो, परेशान से रहते हो इस वजह से। और कल मुझे कमेंट्स आते कि कायरव जो है ना बहुत जिद्दी हो गया है, बहुत जिद्दी हो गया। हाँ थोड़ा सा छोटा एक बुखार बुखार आ रहा था, जैसे चिड़चिड़ा हो रहा था, और पता भी नहीं चला हम लोगों को, कदमे को, मतलब बच्चे हैं ना सारे दिन, मतलब अब नो बताओ निगाह रखे हैं भी हम लोग, ऐसा नहीं कि हम निगाह नहीं रखते हैं, पर पता नहीं कदा हमें उंगली जगह कट गया कर दो। अपनी तो काफ़ी बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है, बस अलग भर की मार हो रहा है भी, फिर सब चीज़ें जानने लगेगा, अभी जानने लगा है, पर थोड़ा बच्चा अभी अनजान है। और अगर वे ये सब चीज़ें ना करते ना बच्चा कौन कहेगा। और दूसरी बात फिर है ना, मैं एक दिन और मैं वहाँ ससुराल में रही, फिलहाल मैं मायके में आ गई हूँ, और जो कल व्लॉग आएगा वो भी ससुराल का है, उसमें भी मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, और किसी ने मेरे को कुछ बताया था वो भी मैंने किया है। और आने वाला जो व्लॉग रहेगा मतलब मेरा ससुराल का, उसे ज़रूर देखेगा, बिल्कुल भी उसको देखना मत भूलिएगा, उसमें भी आपको कुछ बहुत अच्छा सा देखने के लिए मिलेगा आराम से। तो जब व्लॉग आएगा ना उसमें भी आप लोगों को कुछ अच्छा सा देखने के लिए मिलेगा। और मैं अभी फ़िलहाल वहाँ तो देखो मेरा टाइम ही नहीं मिला बात करने का, यहीं वीडियो का कर रही हूँ, यहीं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बोलूँ कि भाई मैं वहीं बैठ के एंड करती ये करती, टाइम ही नहीं था मेरे पास में, मेरे को ना काम इतना ज़्यादा हो रहा था, दूसरे में तो काम इतने ज़्यादा, दूसरे में बच्चा बीमार था, सारा सिस्टम मतलब ऐसा ही रहा, इतना बुरा हाल रहा, घर की साफ सफाई भी नहीं थी, बच्चा भी हमें खाना पीना, और दिमाग है ना इतना परेशान हो गया, जैसे यहाँ से निकली तो वहाँ जाके ना बस घर जाके पहुँची थी। लड़के ने एक दिन में कम से कम जरा सी देर में 7-8 बार लैट्रीन कर दी, लैट्रीन लगी, दवाई दिवा के और बस घर तक ही पहुँची थी, लैट्रीन पानी हो गया इसके पेट में। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर साहब इसे तो दस्त आ रहे बहुत, वो दिक्कत कर रहा, डॉक्टर ने कहा कि आप है ना ये गोली देकर देखो, नहीं आराम लोग तो अभी लेके आओ, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, हम लोग भी क्लिनिक बंद करके चले जाएंगे, इतना दिमाग ख़राब होगा। फिर वह दवाई जो थी वह देकर देखी, फिर करी इसने लैटिन, फिर थोड़ी देर बाद खैर इसको है ना आराम लग गया, और मेरा दिमाग इतना परेशान हो गया बहुत, मैं टेंशन में आ गई, मतलब भाई बच्चा है, अब बड़े को बुखार हो जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाए तो बड़ा 103 बुखार होता है इसे, इतना अगर बुखार चिड़चिड़ा हो रहा, पानी पानी पानी, अब नहीं कोई एक मिनट दूर ना जानता है मुझे भी, पर जब सो गया जब भी काम नहीं उठाया, अब बस फिर जब आराम सा लगा बुखार ढीला हुआ खेलने लगा, तो मैं बस अचानक इसी वजह से मुझे ससुराल लेना पड़ा, भाई बेटे का मतलब हालत जो है ख़राब होगी, बस अभी फ़िलहाल वो ठीक है, बस आप लोगों की दुआ है प्यार है। और हाँ आप लोगों से एक बात और करना चाहती हूँ, जो आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में दिखी है वो कोने में बताती हूँ, दरअसल मैं जैसे ऑटो में बैठी थी घर के लिए, तो वहाँ पर वो मुझे मिली, जी हाँ अभी मेरी सब्सक्राइबर हैं वो, मेरी मतलब मेरी सब्सक्राइबर बोलो या मेरी फैमिली मेम्बर बोलो, देखिए आप सब लोगों को वैसे मैं सब्सक्राइबर मानती नहीं हूँ, तो वो मेरी एक फैमिली, जो मेरी बड़ी सी फैमिली है उसकी एक मेम्बर थी, वो मुझसे मिली और उन्होंने मुझसे बात की, आली बट्टे उनका नाम रीना कौर है, मुझसे मिली और बहुत अच्छा लगा, उनकी बहुत प्यारी सी एक गुड़िया थी, और उनके हस्बैंड भी थे उनके साथ में, उन लोगों ने मेरे साथ में कुछ फ़ोटोज लिए, और बहुत सच में बहुत क्यूट सी बेबी थी उनकी, और मुझे सच में बहुत खुशी मिली उनसे मिलकर, बहुत मतलब वो बोलते हैं ना कि जब हमको कोई अपना मिलता है, जो हमको देखता है और हमको मतलब पसंद करता है, तो खुशी जो है दुगुनी हो जाती है। मैंने उन लोगों को बोला कि चलो दीदी आप कुछ खा लो, कुछ खा के जा, बोला कि नहीं शहर जा रहे हैं जल्दी में है, और सच में बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ उनसे मिल के। तो मेरा कोई फैमिली मेम्बर अगर मेरे को मिलता है ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक पिक लगाई थी तो वहाँ पर भी मुझे एक मेरी फैमिली मेम्बर मिली थी, उनका नाम शोनम है, उनसे मिल के भी मुझे बहुत खुशी मिली थी। तो फिलहाल जो है ना मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।